हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होंगे। स्वास्थ्य देखने वाले हैं आप सभी का फेवरेट एवेंजर्स असेंबल की सीजन 3 एपिसोड 10। तो इस कहानी की शुरुआत में हम ब्लैक विडो यानी कि नताशा को देखते हैं, जो ट्रेनिंग रूम पर डांस करता हुआ वर्कआउट कर रही है। और तभी उसे परेशान करने हरा भरा पहलवान यानी कि हल्क आता है। हल्क नताशा को बताता है कि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन उसे बुला रहा है, और जिसके बाद वो दोनों टोनी स्टार्क के पास जाता है, जो तब बाकी के एवेंजर्स के साथ इनह्यूमन के बारे में डिस्कस कर रहा होता है। कैप्टन कहता है कि इनह्यूमन के एक न्यू मेंबर इन्फर्नो एक सीधा साधा आम बच्चा था, लेकिन वो टेरिजिन मिस के कांटेक्ट आते ही एक इनह्यूमन में बदल गया। जिस पर टोनी कहता है कि हो सकता कि वो एक इनह्यूमन ही था, लेकिन उसे यह बात पहले पता नहीं था। हॉकाय कहता है कि इनह्यूमन के राजा ब्लैक बोल्ट और उसके मेंबर कैसे लोग है। बोलोक हमारे साथ दोस्ती करके गई, लेकिन बोलोक यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ और दोबारा कांटेक्ट भी नहीं की। और तभी वहाँ ब्लैक बोल्ट के पैर डॉक लॉपसॉप टेलीपोर्ट होकर आता है, जो तब काफी बुरे हालात में थे। आते ही लॉपसॉप सारी एवेंजर्स को टेलीपोर्ट करके इनह्यूमन के देश एटलैंड पर ले जाता है। एवेंजर्स के एटलैंड जाते ही लाखों संख्या के किलिंग ड्रोन उन पर हमला कर देता है। टोनी जब स्कैन करता है, तब उसे पता चलता है कि ड्रोन की संख्या काफी मात्रा में है, और ये ड्रोन खुद को रिबूट भी कर लेता है। बोलोक इतना सारा ड्रोन से लड़ नहीं पाएगा। और तभी अगले ही पल में वह ब्लैक बोल्ट और शिखर आता है, और वो दोनों सभी एवेंजर्स को अपने साथ ब्लैक बोल्ट के पैलेस में ले जाता है, और पैलेस के सारे दरवाजा बंद कर देता है, जिससे किलिंग ड्रोन पैलेस के अंदर घुस नहीं पाते। टोनी ब्लैक बोल्ट से पूछता है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, जिस पर शिखर उन्हें बताता है कि ये किलिंग रोबोट ना जाने कहाँ से आकर उनके देश एटलैंड पर कब्जा कर लिया है, और बोलो कि इन्फर्नो और पूरे रॉयल फैमिली को किडनैप कर लिया है। उन्हें बसाने वाला अब कोई नहीं है, और इसीलिए बोलो कि एवेंजर्स के मदद के लिए उन्हें यहाँ पर बुलाया। और तभी दीवार तोड़कर वहाँ इन किलिंग रोबोट के मालिक अल्टोन आता है, और वो एवेंजर्स से कहता है कि ये उनके और इनह्यूमन के मामला है, तो कृपया बोलो कि यहाँ से चले जाए। पर एवेंजर्स कहता है कि इनह्यूमन उनके दोस्त है, और ये कहकर बोलो अल्टोन पर हमला करता है। थॉर जब अपने मिलोनीर से अल्टोन को हिट करने जाता है, तब अल्टोन उल्टा उस पर ही हमला करके उसे दूर पैलेस के बाहर फेंक देता है। फिर इसी लड़ाई के बीच अल्टोन शिखर को एक इशारा कर देता है। अल्टोन के इशारा मिलते ही शिखर लॉपसॉप को उन्हें वहां से टेलीपोर्ट करने के लिए कहता है, और जिसके बाद लॉपसॉप सभी को वहां से टेलीपोर्ट कर देता है। उनके टेलीपोर्ट होते ही वहां थॉर आता है, और पैलेस को खाली देखकर कहता है कि आखिर एवेंजर्स और ब्लैक बोल्ट गई कहा। और तभी अल्टोन पूरे पैलेस को थॉर के ऊपर गिरा देता है। इसके बाद हम लोग एवेंजर्स को देखते हैं, जो टेलीपोर्ट होकर एटलांटिक के एक सीक्रेट लैब में जाता है। वहां शिखर एवेंजर्स को बताता है कि अल्टोन को हराने का सारी प्लान बोलो के ही बनाता है, और ये कहकर शिखर पास के एक रूम पर जाता है। हल्क और नताशा भी उसके पीछे जाता है। शिखर उन दोनों को बताता है कि टेरिजिन मिस के टुकड़े से जब एक सीधा साधा इंसानों को इनह्यूमन बना सकता है, तो क्या होगा अगर बोलोक इसे ब्लास्ट कर दे। तो दरअसल शिखर का प्लान ये था कि वो टेरिजिन मिक्स का टुकड़े को ब्लास्ट करके उन लोगों को वापस इनह्यूमन बना देगा, जो इन्फर्नो की तरह इनह्यूमन होकर भी इंसानों के साथ रह रहा है, और ऐसा करके शिखर एक इनह्यूमन की फौज बना सकता है। नताशा उसे ये सब करने के लिए मना करती है, क्योंकि जो इनह्यूमन इंसान होकर खुश है उसे वो वापस राक्षस बना नहीं सकते। लेकिन यहाँ शिखर नेट से हल्क और नताशा को कैद कर देता है। वो नेट इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसे हल्क भी सीड नहीं पाते। नताशा शिखर से कहती है कि वो ऐसा क्यों की, उसने उन्हें कैद क्यों की। जिस पर शिखर अल्टोन को उनके सामने ले आता है, और उन दोनों से कहता है कि जो काम उसके मालिक यानी कि अल्टोन ने कहा था। दरअसल शिखर पहले से ही अल्टोन के साथ जुड़ा था, और वो अल्टोन के साथ मिलकर काम करते थे, ताकि वो उसकी मदद से ब्लैकबोर्ड की जगह ले सके और वो खुद एटलांटिक की राजा बन सके। उधर ही अल्टोन के ड्रोन भी आप बाकी के एवेंजर्स के ऊपर हमला कर देता है। अल्टोन यहाँ शिखर से उसके बना हुआ वो डिवाइस लेता है, और उसमें से टेरिजिन मिक्स का टुकड़ा निकल कर फेंक देता है। ये देखकर शिखर हैरान हो जाता है, और वो अल्टोन से कहता है कि ये क्या कर रहे हो अल्टोन, तुमने तो कहा था कि तुम इनह्यूमन का फौज बना रहे हो, और इस टेरिजिन मिक्स के बिना तो ये डिवाइस सिर्फ एक एम्प्लाइफिंग गन है। अल्टोन कहता है कि उसे इस गन का ही जरूरत थी, उसने तो बस इनह्यूमन फौज के बहाने शिखर से ये गन बनवाया, और ये कहकर अल्टोन शिखर को जान से मार डालता है। और फिर अल्टोन नताशा और हल्क को मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। नताशा हल्क से पूछते है कि क्या वो इस नेट को सीड सकता है, जिस पर हल्क कहता है कि वो इस नेट को तो सीड नहीं सकते, पर वो पीछे वाले वॉल को जरूर तोड़ सकता है। और ये कहकर हल्क पीछे वाले वॉल को तोड़ देता है, जिससे वो दोनों उस रूम पर पहुंच जाता है जहां एवेंजर्स अल्टोन बोर्ड से लड़ रहे थे। अल्टोन को देखते ही लॉपसॉप अल्टोन पर टूट पड़ता है, लेकिन अल्टोन लॉपसॉप को एक शॉक देकर उसे घायल कर देता है, और वहां एक बम लगाकर अल्टोन लॉपसॉप को अपने साथ ले जाता है। ये देखकर ब्लैक बोल्ट कैप्टन हॉकाय और फैल्कन अल्टोन के पीछे जाता है,
और जबकि नताशा हल्क और टोनी आल्टन के ड्रोन को तोड़ने के लिए वही रुक जाता है, लेकिन तभी वो बम ब्लास्ट हो जाता है। पर हल्क किसी तरह नताशा और टोनी को बसा लेता है। उदारी कैप्टन के टीम आल्टन के पीछे करता है, पर आल्टन उन्हें पकड़ लेता है। ये देखकर ब्लैकबोर्ड सीख देता है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है। पर ब्लैकबोर्ड के सीखने पर भी आल्टन ठीक होता है। आल्टन ब्लैकबोर्ड पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। ब्लैकबोर्ड के सीखने पर आल्टन के वो खुफिया दरवाजा टूट जाता है जिसमें इन्फर्नो और रॉयल फैमिली के थे, और फिर सभी एवेंजर्स उन रॉयल फैमिली को आजाद कर देता है। कैप्टन टोनी से कहता है कि तुम नताशा और हल्क जाकर आल्टन और ब्लैकबोर्ड को ढूंढो, और तब तक हम इन रॉयल फैमिली के ख्याल रखते हैं। और जिसके बाद टोनी नताशा और हल्क आल्टन और ब्लैकबोर्ड को ढूंढने जाता है। इसके बाद हम आल्टन को देखते हैं, जो ब्लैकबोर्ड को एक मशीन में डालकर उसे दर्द दे रहे थे, और तभी वह टोनी हल्क और नताशा पहुंच जाता है। नताशा कहती है कि ये शिखर का हथियार था, आल्टन ने इसे और भी ज्यादा बड़ा बना लिया। टोनी आल्टन से कहता है कि उसे ब्लैकबोर्ड को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके झगड़ा एवेंजर से है, ना ही इनह्यूमन से। लेकिन आल्टन ये कहकर मना कर देता है कि वो सैटेलाइट को अपने बेस बनाएगा और ब्लैकबोर्ड की सीख की मदद से वो अपने हथियार को चार्ज करेगा। और ये कहकर आल्टन मशीन को चालू कर देता है और नताशा और एवेंजर्स पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों गिरने वाला था। पर तभी वह थोर आकर उन दोनों को बसा लेता है, और थोर के साथ साथ वह बाकी के एवेंजर्स भी आ जाता है, और जिसके बाद इनके बीच एक लड़ाई होती है। आल्टन के मशीन चालू करने के कारण ब्लैकबोर्ड को काफी दर्द होता है, जिससे वो सीख देता है, और ब्लैकबोर्ड के सीखने पर आल्टन के हथियार चार्ज होता है। फिर फैल्कन और नताशा तुरंत उस मशीन को ऑफ करने जाता है, लेकिन वो लोग जितना ही मशीन को डीएक्टिवेट करने की कोशिश करता है, उतना ही ब्लैकबोर्ड को दर्द होता है। ये देखकर फैल्कन कहता है कि आल्टन ने इस मशीन में एक फीडबैक पैदा की, वो लोग ब्लैकबोर्ड को जितना ही फ्री करने की कोशिश करेगा, उतना ही ज्यादा ब्लैकबोर्ड को तकलीफ होगा। फिर ब्लैकबोर्ड को आजाद करने का नताशा को एक आइडिया आती है, और वो तुरंत हल्क को अपने साथ ले जाती है। टोनी लड़ते हुए सभी को आल्टन और उसके ड्रोन को उलझाए रखने के लिए कहता है, और वो खुद उस पावर सोर्स को मशीन से अलग कर देता है जिसके अंदर ब्लैकबोर्ड के थे। लेकिन तभी मशीन के बाहर टोनी को पकड़ लेता है। आल्टन कहता है कि उसे यह बात पहले से ही पता था, और इसीलिए वो दूसरा और एक प्लान बनाई है, और ये कहकर वो टोनी के आर्क रिएक्टर से फिर से उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है। उधर ही हम हल्क और नताशा को देखते है, जो टेरिजन मिस का टुकड़ा ढूंढ कर ले आता है और उसे उस मशीन में डाल देता है, जिससे टेरिजन मिस के रेडिएशन वाले मशीन चालू हो जाता है। और तभी थोर आल्टन पर हमला करके उसे मशीन के सामने ले आता है। उस मशीन के चालू होते ही आल्टन के टुकड़े टुकड़े हो जाता है, और उस टेरिजन मिस के मशीन के रेडिएशन पूरे दुनिया में फैल जाता है, जिससे इंसानों में रहते आए इनह्यूमन कूल्स में ट्रांसफर हो जाता है। पर इससे ब्लैकबोर्ड के कैद वाले उस पावर सोर्स डीएक्टिवेट हो जाता है, जिससे ब्लैकबोर्ड बाहर आ जाता है। लेकिन अब आल्टन और एवेंजर्स के लड़ाई के कारण पूरे एटलांटिक गिरकर अर्थ में आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एवेंजर्स को इनह्यूमन से बातें करते हुए देखते हैं। फैल्कन इनह्यूमन के राजा ब्लैकबोर्ड से कहता है कि आप क्योंकि एटलांटिक अर्थ में आ चुका है, तो आप इनह्यूमन को इंसानों के साथ मिलजुल कर रहना होगा, ताकि इनह्यूमन इंसान पर खतरा ना हो और इंसान इनह्यूमन से ना डरे। जिस पर ब्लैकबोर्ड एक स्माइल करता है, और इस स्माइल इस इशारा पर की है कि वो लोग फैल्कन के बात मान लिया है। अगले सीन में हम लोग हल्क और नताशा को देखते हैं, जहां हल्क नताशा से कहता है कि तुमने शिखर का वही तरीका अपनाया, इंसानों में रहते आए इनह्यूमन को अपना असली फॉर्म इनह्यूमन में ट्रांसफर करना। जिस पर नताशा कहती है कि आल्टन को रोकने का सिर्फ यही आखिरी उपाय थी। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।